माँ नाक नहीं खींचेंगी आप मेरे? नहीं। विवाह के हर रीत की तरह इसके निर्धारण के पीछे भी एक कारण था प्रभु। जब वर वधु के माता पिता जमाई के चरण धोते थे तो जमाई के मन में अहंकार आ जाता था और उसे लगने लगता था कि वही सब कुछ है, कोई और कुछ नहीं। तभी वधु की माँ उसकी नाक खींचकर उसको फिर से झुकना सिखाती थी। पर आपके भीतर तो सभी गुण हैं प्रभु, और फिर भी अहंकार तो क्या, कोई भी दुर्गुण तनिक भी नहीं है। इसीलिए आपके साथ ये रीति करने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए प्रभु, उधारियो। सारी बारातियों के पैर अवश्य पखारना। अरुण भी तो बारातियों के समक्ष ही होगा, किंतु वो है कहां? अरुण, मैं कब से तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी, तुम्हें एक क्षण देखने के लिए कब से व्याकुल थी। इनके तो पाँव ही नहीं है, फिर पाँव कैसे धोए? उत्साह की अधिकता में अपने कर्मों के फल भूल गई विंदा। सोचा है क्या कहेगी अरुण से, जिस पुत्र का पूरा जीवन तूने नष्ट कर दिया, कैसे करेगी उसका सामना? अब तो ऐसी मां निकली जिन्होंने अपने ही पुत्र पर ऐसा प्रहार किया। गरुण, तनिक सुन पुत्र। ये क्या किया आपने? ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। इस महापाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। असुरक्षा और मत्सर जैसे दोषों ने आप और आपकी बहन दोनों की बुद्धि हर ली और मुझसे छीन लिया मेरा गौरव और मेरा भाग। कुछ क्षण के लिए मुझे अकेले रहने दे करुण, जा यहां से। अरुण, अरुण,
मुझे क्षमा दे। मुझे क्षमा। मेरे कारण आपका आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया मां। मेरे श्राप ने आपको दास्ता के नर्क में धकेल दिया। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। नहीं रुड, तेरा श्राप पूरी तरह से उचित था। मेरे कारण तू सदैव के लिए अंतरिक्षित रह गया। यदि मैंने धैर्य रखा होता तो आज सत्य तो ये है, तेरे जन्म के बाद से हर क्षण मुझे लगता है कि दास्ता का ये जीवन ही मेरा दंड है। पर मैं आज तक अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाया मां। हर पल हर क्षण यही अनुभव करता हूं कि क्यों मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। यदि उस दिन मां को श्राप ना देता तो आज आपका जीवन जीती जागती द्रास्ती ना बना होता हुआ। हाँ मां, मैं आपसे बिछड़कर दूर अवश्य हुआ हूं, पर कभी अपने हृदय से एक पल के लिए भी आपको भुला नहीं पाया मैं। आपकी पीड़ा आपकी वेदना प्रतिदिन प्रतिपल सही है मैंने। जब जब आपके कष्टों की वेदना आपके हृदय को पीड़ा पहुंचाती थी तब तक मेरे आंसू छलकते थे, पर जब आप उन ओस रूपी आंसुओं को अपने अपने हाथ में इकट्ठा करके पी जाती थी ना मां, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे जैसे आपने मुझे क्षमा कर दिया हो। ऐसा लगता था जैसे जैसे जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। मां आप जानती हैं, मेरे जन्म लेने से लेकर आज तक मैंने आपको और आपके प्रेम को केवल अपनी कल्पनाओं में ही अनुभव किया है। आज अपने उन सभी अनुभवों को उनको जीना चाहता हूं मां। मैं चाहता हूं कि जिस तरह आप गरुड़ के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं, मुझे भी दीजिए। जिस तरह अपने हाथों से उसे भोजन करवाती हैं, मुझे भी करवाइए। इतने वर्षों तक आपके प्रेम से वंचित रहा हूं मां, बस एक बार आपके आशीर्वाद को छूना चाहता हूं मैं, बस एक बार। जानता है गर्व है मुझे तुझ पर, अपनी शारीरिक कमी को तूने अपने उत्थान के मार्ग में अवरोध नहीं बनने दिया। जो तेरी दुर्बलता थी उसे ही अपनी शक्ति बना लिया तूने। मैंने जो भी सीखा है सब आपसे सीखा है मां, सब कुछ गवा दिया था आपने अपना, किंतु उसके बाद भी आपने कभी अपनी मर्यादा अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। सब आपसे सीखा है मैंने। सत्य कहते हैं सब, मां को सबसे अधिक प्रेम अपने पहले पुत्र से ही होता है। देखा आपने अरुण भैया, आपके मिलते ही मां मुझे भी भूल गई।
प्रभु विष्णु ने तुम्हें यहाँ जिस मंतव्य से भेजा था वो पूर्ण हुआ। तुम्हें अरुण से मिला के माँ बेटे के मन में जो बोझ था उसका निवारण किया प्रभु ने। सही समय आने पर भगवान सदा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। एक बार फिर विद्या और उसके पुत्रों ने मेरी योजना विफल कर दी। मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा अगर आप सबको छल से मंथन नहीं करने दूंगा। तुम्हें आभास है तुम किसे धमकी दे रहे हो? महाराज के कोप से केवल तुम दोनों का ही विनाश नहीं अभी तो तुम्हारे परिवार और संतान भी सदैव के लिए दुर्भाग्य के अंधेरों में खो जाएंगे। अभी भी समय है मूर्खो अपने ये तने हुए शीश झुकाकर महाराज के आदेश का पालन करो और हमें चुपचाप मंथन करने दो। मामा श्री तो आ गए किंतु मामी श्री कहाँ हैं? लक्ष्मी मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। शीघ्र आइए आपको देखने के लिए मेरा मन और आतुर होता जा रहा है। इस क्षण की प्रतीक्षा मैं कब से कर रहा था जब आप सदा के लिए मेरी हो जाने के लिए मेरी ओर आएंगे। हम कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु का मिलन हो जाए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस दिव्य मिलन के साक्षी बने। नारायण लक्ष्मी नारायण।
रक्षा, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। ये क्या है? प्रलय, महाराज रक्षा कीजिए। हम ये मंथन नहीं कर सकते। आपको भी सत्य का आभास हो ही गया महाराज।